पेशी आज फिर से हुई है और दो दिन की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। ईडी की स्पेशल कोर्ट में उनको पेश किया गया था। अनिल टुटेजा पर आबकारी घोटाले का भी आरोप है और उसके बाद उनकी कोर्ट में आज पेशी हुई है। आबकारी घोटाले में अपडेट, दो दिन की रिमांड पर भेजा गया था और उसके बाद आज फिर उनकी पेशी कोर्ट में हुई है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं अनिल टुटेजा, जिनको पेश किया गया। दो दिन के रिमांड के बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट में उनको पेश किया गया, जो कि आबकारी घोटाले के आरोपी हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई है। रिमांड खत्म हो गई थी अनिल टुटेजा की और उनको कोर्ट में आज पेश किया गया है। अब इस मामले में आगे क्या कोर्ट ने फैसला लिया है, ये अभी जानकारी निकल के सामने आनी बाकी है। लेकिन आज बेहद अहम दिन था, कोर्ट में पेशी हुई अनिल टुटेजा की। रिमांड पर दरअसल दिया गया था और रिमांड की अवधि खत्म हो गई है और इसलिए उनको कोर्ट में पेश किया गया। बढ़ते आगे, बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर देखा गया। जुआ खेल रहे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और एसपी ने इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान ये जुआ खेल रहे थे, न्यूज 18 की टीम को देखकर मौके से भाग खड़े हुए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, न्यूज 18 पर खबर जब दिखाई गई उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर, जुआ खेलते हुए यहां पर देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि ये देखिए साथ में बैठे हुए थे, जुआ चल रहा था और इतने सारे पुलिसकर्मी देखिए आप वहीं पर जमा हैं, इकट्ठा हैं। और वैसे इनका काम है निर्वाचन कार्य में अपनी ड्यूटी निभाना, चुनावी ड्यूटी इनकी लगी हुई है। देखिए जमावड़ा, देखिए कितनी दिलचस्प तस्वीरें हैं कि क्या कर रही खाकी। वैसे तो इनको निर्वाचन कार्य में लगना था, लेकिन देखिए क्या चल रहा है, पुलिसकर्मियों का पूरा मजमा लगा हुआ है और बीच में नीचे बैठे हुए हैं लोग और खेल रहे थे जुआ। पुलिस वालों ने कैमरा देखा तो उसके बाद इधर उधर सब आए बाएं दाएं हो गए और मुंह फेर लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए 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 तस्वीर देखिए जरा, कि वर्दी भी नहीं संभल पा रही है। एक तो साहब ऐसे भाग रहे हैं कि वर्दी तक नहीं संभल पा रही है, बेल्ट तक नहीं संभल पा रहा है। फिर से तस्वीर हम शुरुआत से दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए साहब से कपड़े तक नहीं संभल पा रहे हैं, बेल्ट तक नहीं संभल पा रहा है वो पुलिसकर्मी जो भाग गया आगे, बेल्ट कसते हुए नजर आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ कैमरा घूमा कि निर्वाचन कार्य चल रहा है, भाई क्या चल रहा है देख लें जरा, कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है। जाकर देखा थोड़ी भीड़ छटी और नजर आया कि वहां पर भी खेल चल रहा था जुए का। कार्रवाई हुई न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद। देखिए यहाँ सब जैसे ही पुलिसकर्मियों ने देखा कि मीडिया का कैमरा है, तुरंत पलट लिए ताकि चेहरा भी नजर ना आए, लेकिन सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्रीय नेताओं तक पर कई गंभीर आरोप लगाए। राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें सुशील आनंद शुक्ल ने शराब का ऑफर किया, बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां दी गईं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भूपेश बघेल से बात की तो बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ने को कह दिया। राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने राहुल गांधी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात करनी चाहिए तो उनका फोन उठाया ही नहीं गया। पार्टी के किसी आला नेता ने उनको फोन या मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ राधिका खेड़ा के तमाम आरोपों को मनगढ़ंत और गलत बता रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी, उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहाँ से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैं
मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में, और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसे हाथ में फोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में दो और लोग थे, दो और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और राधिका खेड़ा के आरोप पर सुशील आनंद शुक्ल ने अब सफाई दी है। तो कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया है। तो मेरे ऊपर यह आरोप जो लगाया गया कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूं। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को ताक पे रख के वे जाए भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन के समान थी, लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाजा ठोका था, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था, उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम। इधर राधिका खेड़ा के आरोप जो सामने आए, इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राधिका खेड़ा ने सब कुछ जानबूझकर एक प्री प्लान के तहत किया है। वो बीजेपी की भाषा बोलने लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया और उसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए नया रंग दे दिया गया। दीपक बैज ने कहा कि राधिका खेड़ा बीजेपी में जाने के लिए यह सारा बखेड़ा खड़ा किया। सुनते नहीं सुनते, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए उनको, इंतजार तो किए नहीं। पार्टी ने संज्ञान लिया, हमारे खड़के जी ने संज्ञान लिया, एआईसीसी ने संज्ञान लिया, जांच हुई, जांच रिपोर्ट बनाकर भेज दिए, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है जल्दबाजी करनी, और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। कांग्रेस भवन में महिलाएं सुरक्षित है, आप देखिए नीचे वार रूम में महिलाएं आज भी काम कर रहे हैं, 7-8, 8-8, 9 बजे रात तक काम कर रही हैं, घर परिवार छोड़कर। इसलिए कहीं भी कोई ऐसा स्थिति नहीं है, ये जानबूझकर एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जानबूझकर ये प्री प्लानिंग के तहत इस तरह के आरोप। और राधिका खेड़ा के विवाद में बीजेपी के नेता भी अब कूद पड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए। महसूस कर रहा है, ये उनका अंदरूनी मामला है, और मैं कहना चाहूंगा कि जो अंदर की उनकी स्थिति है वो पूरी तरीके से उजागर होती चली जा रही है। तो क्यों हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, और ये लंबे समय से घटित हो रहा है, मैं याद दिला दूं, सीक्वेंस वहां से शुरू होता है। आप लोग में से बहुत से लोगों के दिमाग से विस्मृत हो गया होगा, अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने बयान में लिखा था कि 2 साल तक उनको मिलने का समय नहीं दिया गया, और वहां से फिर एक लंबा सीक्वेंस आज राधिका खेड़ा तक आता है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब कांग्रेस वालों से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है। और राधिका खेड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसका हम स्वागत करते हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। राधिका खेड़ा का अपमान सिर्फ उन्हीं का अपमान नहीं, इसे छत्तीसगढ़ का सिर भी शर्म से झुक गया है।
राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है ऐसे हर व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की। और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेरा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। और बात छत्तीसगढ़ की हो रही, तो छत्तीसगढ़ में कल बड़ा दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीटें जो बची हुई हैं, उन 7 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसमें करेंगे। पोलिंग बूथों पर मतदान दलों को रवाना करने की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा बलों की 202 कंपनियों की तैनाती की जाएगी और कुल 15,701 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। 1,072 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं इसमें, और 52 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील हैं। वहीं 15,701 में से 7,887 मतदान केंद्र ऐसे हैं इसमें जहां की निर्वाचन आयोग वेबकास्टिंग करने वाला है, निगरानी रखने वाला है। 202 सीआरपीएफ और आईटीबीपी की कंपनियों की तैनाती इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए होगी। रायपुर और बिलासपुर लोकसभा में 3 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होगा। तो कल जिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बिलासपुर लोकसभा सीट भी है, जहां पर कल यानी कि 7 मई को मतदान होना है। वोटिंग के मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर रवाना हो चुकी हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और स्ट्रांग रूम से जो मतदान दल है अब केंद्रों में पहुंचने लगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो चुनाव सामग्री है उसको लेकर जो दल है वो अब यहाँ पर पहुँच चुका है। मैं इस वक्त बिलासपुर के राघवेंद्र राव हॉल भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो तैयारियाँ निर्वाचन आयोग की तरफ से की जानी थी, जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो पूरी कर दी गई है। यहाँ पर लोगों के आने के लिए छाए की व्यवस्था की गई है, पंखे की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही पानी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतदान दल देखो जो कि अब यहाँ पर पहुँचा हुआ है और कड़ी सुबह से ही ये 7 बजे से स्ट्रांग रूम पहुँच गए थे, चूँकि बिना खाए पिए वहाँ पर पहुँचे थे, तो अब ये जो है अभी ये लंच कर रहे हैं। तो कुछ जो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की आप लोगों को पूरी प्रशिक्षण दिया गया है और कितने बजे आप वहाँ पर पहुँचे थे स्ट्रांग रूम। शासन के निर्देशानुसार हमको जो टाइम मिला था सुबह 7 बजे पहुंचने का, हम निर्धारित समय पर पहुंच गए थे और सही समय पर अपना चुनाव सामग्री पे BU CU ये सब सामग्री ले लिए थे। मिलान करने के बाद साथियों से मुलाकात होने के बाद फिर और भी जो साथी लोग हैं अन्य बूथ के, फिर इकट्ठा होकर बस से अपने गंतव्य स्थान पर आए हुए हैं और लंच करने के बाद फिर जो काम करना है उसको आगे बढ़ाएंगे। लगभग 2,251 जो है पोलिंग बूथ है और वहाँ पर 9,004 जो है वो मतदान दल जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बेहतर ढंग से इस मतदान को बेहतर ढंग से प्रक्रिया जो है मतदान प्रक्रिया उसको कराने के लिए जो टीम है उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 1 हफ्ते से ये प्रशिक्षण चला और प्रशिक्षण चलने के बाद जो है अब मतदान दल मतदान केंद्रों में पहुँचने लगे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कल जब सुबह होगा तो सुबह होते ही पहले मॉक ड्रिल किया जाएगा, उसके बाद 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य।